अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा, वाचिंग इकरा विज व्लॉग एंड वेलकम बैक टू एन अदर तड़कता भड़कता इन ब्रांड न्यू व्लॉग। तो असल में ये जो मेरा बेबी है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मम्मा मुझे जब पुप्पो के कमरे में छोड़ने आती है, इट मीन्स कि मम्मा खुद अकेली घूमने जा रही है और मुझे पुप्पो के गले में फंसा के जा रही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जा रही हूँ बाहर, पर ये मेरा गुग्गू बुग्गू भी साथ चलेगा। इसको थोड़ी सी बेमानी हो गई, पर मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ ये मैं बताती हूँ आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। तो गाइज हम निकल चुके हैं ये भाई कहीं के लिए, और वो मैं कहीं अभी नहीं बताऊंगी, आपको पता चलेगा। हम जा रहे फार्मा जोर बोल ली। देखा ये जो है ना जाइल, ये दुश्मन है मेरा, ये मेरी सोतन है। इससे पहले ही बता दिया कि हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस। कहाँ जा रहे हैं माँ? और ये मोहम्मद अरहम जो है पतले होने का फायदा उठा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है राफे चाचू। हाय राफे, तुम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये चिचोर भाई कर रहे हैं दोनों ये चिचोर भाई। अरे कहाँ जा रहे हैं अनस? हम लोग जा रहे हैं हॉग्स पे। हॉग्स पे भी कहाँ जा रहे हैं मेमो? ओ माय गॉड फोमोस। तो हम जा रहे हैं फार्म हाउस। आपके बालों को क्या हुआ? फार्म हाउस जा रहे। अच्छा। मम्मी बैठी हुई है, पापा बैठे हुए, मैं जा रही हूँ फार्म हाउस। फार्म हाउस 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 क्या होता है बेटा? हाउस कहाँ जा रहे? फार्म हाउस। फार्म हाउस फार्म की तरफ सिखाओ तो सही बात करना। अच्छा तो गाइस हमारा जो सफर है वो शुरू होने वाला है, तो लेट्स गो। तो ये है फार्म हाउस। आ चुके हम लोग, बहुत ही हसीन और खूबसूरत सा फार्म हाउस है। अब हम इसके अंदर जाते हैं, बाहर का व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे दीदी कितना अच्छा है ये। Wow. Oh my God, बहुत प्यारा है, बहुत। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये एक रूम, ये दूसरा रूम, और ये तीसरा रूम। ये तीसरा रूम है और इसमें एसी भी है। ये फार्म हाउस जो है वो अवेश के बहुत ही अच्छे फ्रेंड का है, जो कि गड्डाप में है, और बहुत ही ज़्यादा डरावनी गलियों से होते हुए हमें यहाँ तक पहुँचे हम लोग। असल में डरावनी इसलिए भी लग रही थी, एक तो बारिश का मौसम है, और जो दूसरी बात यह है कि बारिश के अलावा भी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वो था, लाइक अंधेरा था बारिश की वजह से, सुनसान इलाका। मेहमान इधर आओ, ये ले आओ भाई के स्लीपर्स, यहाँ रखो, यहाँ पे रख दो। इतना अच्छा सेटअप देख के मैं और अम्मी तो यहाँ गिर गए आते ही, और अब हमें भूख लग रही है, और भूख के लिए आज मेन्यू में बहुत कुछ है, और जिसमें से मैं बाहर जी हवा से भी शायद ही खिड़की खुले लाए। भूख नहीं लगी? मुझे तो बहुत लग रही है यार। इधर सामने आके बैठो, फिर बताओ क्या हुआ। मुझे थाना नहीं खाना। थाना नहीं थाना, फिर क्या खाना है? मुझे चूड़ी नहीं खाना। क्यों? आपने तो भी बोला आपको चीज चाहिए। मुझे चीज चाहिए। तो चीज भी तो खाते है ना जो भूख लगती है, बिना भूख के चीज कैसे खाओगी आप? हाँ इधर है जम्बूरी, जम्बूरी को हम गंजा करेंगे। अब गाइज हम लोग ये पूल एरिया की तरफ आ गए, और ये सीसो मेरी और अरम की, ओ अरम बोली हूँ, मेरी और बच्चों की कमजोरी है सीसो, पर मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। अवेश तू वजन कर ले, हेट गार अवेश मुझसे कम है इसलिए। ये राफे जो है वहां इसको लेके झूले में झूल रहे हैं, वहाँ अनस अकेला असल में।
हमें इसने जुलम कर दिया मेरे साथ और पूरा वजन देखकर मुझे ऊपर कर दिया था। पर अब जो है वो हम सिर्फ फार्म हाउस में कितने लोग, 1, 2, 3, 5 बड़े और 3 छोटे बच्चे हैं फार्म हाउस में, और इतना बड़ा फार्म हाउस वीराना का। ओह माय गॉड, असल में एंड टाइम पे अवेज ने प्रोग्राम बनाया, एंड टाइम पे हमें फार्म हाउस मिला और एंड टाइम में हम लोग आ गए हैं। और अब आ गए हैं तो हमें रुकना पड़ेगा, वैसे बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा लोग होते, पूरी फैमिली होती तो और भी मज़ा आता। भाई पहला जो मेन्यू में आइटम है वो है शामी कबाब एंड दूसरा ये मैक्रोनी। मैक्रोनी के ऊपर ही शामी कबाब लगा रख के आ गई थी मैं, ताकि अलग सब गर्म रहें चीज़ें। और भाई दूसरा खाना लाओ, किस बात का इंतज़ार हो रहा है, जल्दी लाओ, भूख लगी है। ला रही हूँ मैं, और बच्चे जो हैं वो मैक्रोनी खाना स्टार्ट हो गए। मैंने बनाई थी बीफ मैक्रोनी, मेन मेन्यू के साथ बीफ मैक्रोनी भी थी, क्योंकि मैक्रोनी में बहुत पसंद है ना, बाबा को भी पसंद है मैक्रोनी। तो गाइस फाइनली हम लोग पूल साइड आ गए हैं खाना वाना खा के, तो मेरे बच्चे तो बड़े डर रहे हैं, मोहम्मद अरम दूर से ही मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं। मैं अंदर जाऊंगी तब, जब अम्मी अपने चाय का कप ले आएंगी तब मैं जाऊंगी वहाज अम्मी को देखकर, क्योंकि वहाज को भी डर लगता है और ठंड भी लग सकती है, क्योंकि बारिश के वजह मौसम ठंडा हो चुका है। और ये आगे आगे से कीड़े मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा हटाए ना तगावेस, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा हटाए तो आगे अच्छी गया। वो राफे चाचू वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं जी, पूल जी तो पतंगा दिस ना सजे पानी में अच्छी डप लगे तो जान मुझे मौत पानी अड़े अड़े। बट पप्पू कांट डांस साला, राफे चाचू इस पप्पू वहाज खान आर यू एंजॉयिंग हे 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 पप्पू के पास है मे हे करता है फ्रांस में हॉलीडे। ये स्पीकर को ना, हमने बस स्पीकर नहीं हम लोग लाए, हमने ये गलत कर दी, काश हम स्पीकर लाते और मज़ा आता फिर बहुत। पूल में नहाने के बाद हम लोग बहुत थक गए हैं, ये लोग बॉयज जो हैं वो सी बूटी बना रहे हैं। ए अरहम यहाँ पे आओ, वाह आज कमे तो बस अब मैं तो थक गई बस, मैं सोना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं रूम में आ गई वापस और मैं आप सोऊंगी। गाइस आई वाज थिंकिंग कि चलो सोने से पहले एक स्नैप बनाई जाए कि इतनी ज़बरदस्त बारबेक्यू बना रहे हैं दो लोग, जिनमें से एक मेरे शौहर हैं दूसरे मेरे कज़न ब्रदर, तो देखते हैं कैसे बन रहा है बारबेक्यू। भाई कैसा बन रहा है भाई साहब, खा ट्राई करके देखते अब बन गया है क्या। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही जल्दी स्पीड में नहीं बना रहे, ऐसे नहीं कच्ची रह जाए, लग तो बहुत अच्छी रही है। इट्स नाइस। तो गाइस मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं आपको ये पूरा रात वाला लुक दिखा दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं, सुबह हो गई है और अभी सुबह के 8 बजे, नींद तो काफ़ी आ रही है पर घर जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है वो काफ़ी कम लोग यहाँ आए थे और काफ़ी घर वाले वहीं पे थे। मोहम्मद आ जाओ बेटा, पांडा आइए ना, मोहम्मद अपना पांडा उठाओ। ये गाइस हम देख सकते हैं गाड़ी में मक्खी आ गई है, वो हमारे साथ घर जाना चाह रही है। सो मी इकरा साइनिंग ऑफ, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ इंशाल्लाह, फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।